केसेस तो अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन डबलिंग टाइम अभी भी हमारा 7 दिन से ज़्यादा का है, विच मीन्स दिस इज़ अ नॉर्मल ग्रोथ। अगर डबलिंग टाइम 4 दिन का 2 दिन का हो जाए देन वी आर वरीड। और हम लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डबलिंग टाइम नॉर्मल है, इसका मतलब है अभी तक हमारा पीक ग्राफ नहीं आया है और अभी तक हमारा डिक्लाइन नहीं आया है। सो ये इतना ही रहेगा, थोड़े दिनों के बाद में जैसे केरला में डबलिंग टाइम 30-40 दिन का क्रॉस कर गया है उसके साथ में, तो वो सिचुएशन हमारे को पूरे इंडिया में चाहिए। इसके लिए हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की तरह स्टेज 3 आए ना और सीधा स्टेज 4 में चला जाए, ताकि हमारे को पीक देखना ही ना पड़े। हमारी कंट्री में क्या कारण है कि हमारे केसेस एंड डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज? हमारा रेजिस्टेंस है, हमारा कल्चर है, हमारा जल्दी सीख जाना है कि 2.5 महीने लेट आया इसलिए हो रहा है कि हमारे अंदर BCG वैक्सीनेशन है, कि इंडिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहे हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेद में भी सिंकोना दवाइयाँ अवेलेबल हैं, आज के डेट में हमें नहीं पता। लेकिन हो सकता है हमारी कंट्री में हम ऑस्ट्रेलिया की तरह बिहेव करें, नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ उतनी ना हो जितनी कि अमेरिका में या यूरोप में हुई हैं। दो प्रकार के स्टडीज अवेलेबल हैं, एक तो है दिल्ली की 186 केसेस आए जिनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, और दूसरा एक न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने सब प्रेग्नेंट लेडीज के टेस्ट किए जिनकी डिलीवरी हो रही है कंपल्सरीली, और उन्होंने 13.4% लोगों में पाया कि वो पॉजिटिव थे, उसमें से 87% जो है वो एसिम्टोमैटिक थे और 13% प्री सिम्टोमैटिक थे। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एसिम्टोमैटिक का मतलब है कि बीमारी आई चली गई आपको पता नहीं लगा, प्री सिम्टोमैटिक का मतलब है कि आज के दिन में आपका टेस्ट पॉजिटिव है, 2 दिन के बाद में सिम्टम्स आ गए। ऐसा मानना है कि सिम्टम्स आने में 2 से 3 दिन लगते हैं, तो 87% लोग ऐसे मिले जो सिम्टम जिनको था ही नहीं, जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। ये सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब ये सिचुएशन आ गई है भारत में भी सोचने की, हम सारे एंटीनेटल केसेस का टेस्ट कराएं क्या, सारे हाई रिस्क लोगों का टेस्ट कराएं क्या, सारे डायलिसिस में जो पेशेंट जा रहे हैं उनका टेस्ट कराएं क्या, सब लोगों की जो सर्जरी हो रही है उनका टेस्ट कराएं क्या। ये सिचुएशन आज की डेट में हमारी थिंकिंग को चेंज कर रहा है। पब्लिक में मोबाइल फोन्स और डॉक्टरों में स्टेथोस्कोप BP इंस्ट्रूमेंट, ये गढ़ हो सकता है बीमारी का। बैंकों में नोट्स क्वाइंस, ये बीमारी का गढ़ हो सकता है। मोबाइल फोन तो हम बार बार यूज कर रहे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक एक्सचेंज भी कर रहे हैं, हम एक दूसरे को दे भी रहे हैं, हर 2 मिनट के बाद में हम इसका यूज कर रहे हैं। लॉकडाउन में तो इसका यूज ऑलमोस्ट 12 घंटे रोज का हो रहा है, रात को सो रहे हैं तो लेके रख रहे हैं, घंटी बज रही है तो देख रहे हैं, सारा सोशल मीडिया इसमें कर रहे हैं, सारी जूम की एक्टिविटी इससे कर रहे हैं। इसमें तो अगर कोई एसिम्टोमैटिक या प्री सिम्टोमैटिक कैरियर है घर के अंदर में, तो वो अपने वायरसेस मोबाइल फोन के ऊपर में आ सकते हैं। इवन बात करते हुए, फॉरगेट अबाउट छींकना या खांसना, सिंपल बात करते हुए ये वायरस आ सकते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि मोबाइल फोन और उसके कवर को दिन में कम से कम 3 बार, आइडियली तो और ज्यादा बार करें, बट कम से कम 3 बार आप इसको अच्छे से कवर को सोप एंड वाटर से साफ करें, और मोबाइल को आप या तो सोप एंड वाटर से साफ करें जो कवर है उसको, और मोबाइल जो फोन है उसको आप सैनिटाइज करें। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 0.1% ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं, यानी कि 7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर 1 लीटर पानी में डाल के उसके पानी से करें, या फिर आप अपने घर में बना हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसमें 60% अल्कोहल है, 40% या तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है ये, या फिर एलोवेरा जेल है, या बाजार से खरीदा हुआ कोई भी सैनिटाइजर लेके आप इसको वॉश करना बहुत जरूरी है, इसको साफ करना बहुत जरूरी है। इसे हम बोलते हैं सरफेस डिकंटामिनेशन, कम से कम 20 सेकंड तक टिल इट इज ड्राई। नहीं, और कोई प्रिकॉशन नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है ग्लव्स पहन के रखिए, लेकिन नाइट्राइल की जो ग्लव्स होते हैं वो एलर्जी नहीं करते, बट कब तक पहनोगे आप, बिकॉज मोबाइल तो आपने बार बार यूज करना है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव है, जो आजकल नए हॉस्पिटल्स के डिजाइन आ रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स के जो डिजाइन आ रहे हैं वो कहते हैं कि नो टच पॉलिसी, कि टच ही नहीं करना किसी चीज को, फॉरगेट अबाउट मोबाइल, वो कहते हैं फैन इलेक्ट्रिकल चीजें वो इस तरीके से आए टच ना हो। तो उसके साथ में देखिए, अगर आपके पास में एलेक्सा की फैसिलिटी है, आपका फोन ऑन है, आप एलेक्सा को ऑर्डर दीजिए, वो आपका फोन नंबर लगा देगी और आप डायरेक्टली बात करेंगे, आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करिए। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी जो अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज अ नो टच पॉलिसी, आज नहीं तो कल घरों में आएगी, हॉस्पिटल्स में आएगी,
मोबाइल के फोन के ऊपर में भी आएगी कि आप सिर्फ मुंह से ऑर्डर दो और फोन बच जाए और डायरेक्टली आप बात कर लो।